अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का डिज़ाइन केबल डिज़ाइन है जो कि बहुत ही डिफरेंट टाइप की केबल है। इस तरह की केबल आपने आज तक हमारे चैनल पे नहीं डाली होगी। स्क्रीन पे आप जो स्वेटर देख रहे हैं ये 5 से 7 साल तक के बच्चे का है और इसमें 90 फंदे डले हुए हैं। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। ये सैम्पल हमने आपको 22 फंदों में डाल के दिखाया है जिसमें से साइड के एक एक फंदे एच स्टिच के हैं। तो ये जो पहला फंदा है एच स्टिच का, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसे बुन भी सकते हैं। इसको बुनने के बाद हमने एक फंदा सीधा बुना, फिर ऊन आगे लाके 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारे डिज़ाइन का एक पार्ट ओवर होता है। अब वापस से रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए हम वापस एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी पहली सिलाई को कम्प्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई को उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुनेंगे। इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना, इसे प्लेन उल्टा बुनते जाना है। एक बात का ध्यान दें, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं फ्यूचर में कौन से डिज़ाइन अपलोड करेंगे, तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल का ज़रूर लाइक करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप हमारे चैनल के डिस्कशन टिप्स और ट्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर क्लिक करते ही आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कम्प्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई। इसमें पहला एच स्टिच का फंदा है, उसे सीधा बुन दिया। अब डिज़ाइन का फंदा आ गया, इन दोनों पे हमें केबल डालनी होगी। तो सबसे पहले हम पीछे के फंदे को इस तरह से बुन लेंगे, यानी कि पहले हमने दूसरे फंदे को बुन दिया, अब हम पहले फंदे को बुन देंगे। तो हमारा केबल का मुंह यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घूम गया। इसके बाद ऊन आगे ला के 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 6 फंदे बनने के बाद हमें वापस केबल डालनी होगी इन दो फंदों पे। उसके लिए हम ऊन को पीछे ले जाएंगे और सबसे पहले दूसरे फंदे को आगे से बुन देंगे। इसके बाद जो पहला फंदा होगा उसे बुन देंगे। इस तरह से हमारी केबल का मुंह राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाएगा। यहाँ पे हमारे डिज़ाइन का एक पार्ट ओवर हो गया। अब हमें वापस केबल डालनी होगी। केबल डालने की एक और ट्रिक है जो हम हमेशा करते हैं। इन दो फंदों को सिलाई पर से उतारा, दूसरे को पहले सीधे हाथ की सिलाई पे ले गए, पहले को उल्टे हाथ की सिलाई पे ले गए, फिर दूसरे को बुन दिया और फिर पहले को बुन दिया। इस तरह से हमने यहाँ पे केबल डाल दी। अब ऊन आगे लाके हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम आपको अलग हट के केबल डिज़ाइन डालना सिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह से 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे। अब इन 2 फंदों को वापस सिलाई पर उतारेंगे। अब जो पहला फंदा है उसे उल्टे हाथ की सिलाई पर और दूसरे को सीधे हाथ की सिलाई पर ले जाते हुए दोनों को बुन देंगे। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे हम सीधा बुन देंगे। चौथी सिलाई दूसरी सिलाई के जैसे बुननी होगी। अब हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर। इसमें भी एक्स्ट्रा फंदा हम बिना बुने उतार रहे हैं। इसके बाद हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद अगले 2 फंदों पर केबल डालेंगे। उसके लिए हम वही करेंगे, 2 फंदों को सिलाई पर से उतारेंगे, सीधे हाथ की सिलाई पर दूसरे फंदे को ले जाएंगे, उल्टे हाथ की सिलाई पर पहले फंदे को ले आएंगे और इसके बाद इन दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुन देंगे। इस तरह से 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमें वापस केबल डालनी होगी। केबल डालने का वही स्टेप होगा। ऊन पीछे ले जाके 2 फंदों को उतारेंगे और इस तरह से हम जैसे केबल डालते आए हैं वैसे डाल देंगे। इसके बाद बीच के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर केबल आ गई है तो केबल वापस डालेंगे उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए। इसके बाद ऊन आगे लाके 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और उन 2 फंदों पर केबल डालेंगे। केबल डालने का वही स्टेप जो हमने अब तक फॉलो किया। 2 तरह से आप केबल डाल सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और इस तरह से केबल डालने के बाद एक फंदा एक्स्ट्रा बुन देंगे सीधा और एच स्टिच का भी बुन देंगे।
छठी सिलाई दूसरी के जैसे बनानी रहेगी। अब हम आते हैं सातवीं सीधी सिलाई पर। एच स्टिच का फंदा बिना बुने उतार दिया। इसके बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दो फंदों पर केबल डालेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके दो फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद वापस अगले दो फंदों पर हमें केबल डालनी है और केबल का हमें मुंह राइट हैंड साइड की तरफ करना है, तो उस अकॉर्डिंग हम केबल बुनेंगे। फिर ऊन को पीछे ही रखेंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए हमारी वापस से केबल आ गई है, तो अब हम वापस इन दो फंदों पर केबल डालेंगे उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। इसके बाद हम ऊन आगे लाएंगे और इन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके वापस दो फंदों पर हम केबल डालेंगे। इस तरह से केबल डालने के बाद ऊन को हम पीछे ही रखेंगे और तीन फंदे सीधे बुन देंगे। इसके बाद आठवीं सिलाई दूसरी के जैसे। अब हम आते हैं नवी सीधी सिलाई पर। एक फंदा हमने एच स्टिच का उतार लिया। इसके बाद तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद अगले दो फंदों पर हम केबल डालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमने पहली केबल डाल दी। इसको डालने के बाद हम वापस से अगले दो फंदों पर केबल डालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमने हमारी दूसरी केबल को भी बुन लिया। यहाँ पे हमारी दोनों केबल ज्वाइन हो गई है। इसके बाद हम सात फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से सात फंदे सीधे बुनने के बाद हम अगले दो फंदों को उतारेंगे और उन पर भी केबल डालेंगे। इस तरह से पहली केबल डालने के बाद हम वापस से अगले दो फंदों को उतारेंगे और उन पर केबल डालेंगे। और बाकी के बचे हुए सारे फंदों को हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमारी नवी सिलाई ओवर होती है। दसवीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। दस सिलाई में जाके हमारा आज का डिजाइन ओवर हो जाएगा। इसके बनने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। इस तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी डिजाइन को कंप्लीट करना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।